प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है, पर सच पूछो तो ये बंधन से मुक्ति है, स्वतंत्रता है। नहीं समझे? समझाता हूं। यदि कोई आपका प्रेम ठुकरा दे, यदि कोई आपका प्रेम समझ ही ना पाए तो क्या होगा? कुछ उदास हो जाएंगे, कुछ छल करके प्रेम पाना चाहेंगे, तो कुछ बलपूर्वक प्रेम पर अधिकार करना चाहेंगे। किंतु यह आवश्यक नहीं कि जिससे आप प्रेम करते हो उसे भी आपसे प्रेम, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं है, न राज्य है न धन जिसे आप बल से अपने वश में कर सको। प्रेम वो शक्ति है जो आपके लिए हर बंधन तोड़ सकती है, किंतु स्वयं किसी बंधन में नहीं फंसती। तो जिसे भी आप प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता ही वो भाव है जो जीव को सबसे अधिक प्रिय है। प्रेम सच्चा होगा तो उसे अवश्य समझ में आए। तब तक के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए, स्वार्थ हट जाएगा तो प्रेम आ ही जाएगा, और मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे। ऐसे लागे लगन मेरा हो गए मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गए मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मेरा रानी दीवानी कहने लगी, ऐसे लागे लगन मेरा हो गए मगन।
सबसे पहले मन में एक नायक और एक नायिका का चित्रण कर लेते हैं। क्यों, आपके साथ भी यही होता है ना? पर क्या प्रेम केवल नायक नायिका के आकर्षण का बंधन है? नहीं, प्रेम तो परिवार से हो सकता है, माता पिता भाई बहन से हो सकता है, सखा मित्रों से हो सकता है, देश और जन्मभूमि के लिए हो सकता है, मानवता के लिए हो सकता है, किसी कला के लिए हो सकता है, इस प्रकृति के लिए हो सकता है। पर प्रेम कभी उस पन्ने पर लिखा ही नहीं जा सकता जिस पर पहले ही बहुत कुछ लिखा, जैसे एक भरी मटकी में और पानी आ ही नहीं सकता। यदि प्रेम को पाना है तो मन को खाली करना होगा, अपनी इच्छाएं, अपना सुख सब त्याग कर समर्पण करना होगा, अपने मन से व्यापार हटा दो, तभी प्यार मिलेगा और मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे।